नमस्कार दोस्तों, विनोद वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वशिष्ठ मंदिर। वशिष्ठ मंदिर मनाली का एक प्रमुख मंदिर है जो शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर वशिष्ठ नाम के गांव में स्थित है जो अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के पास स्थित गर्म पानी के झरनों को बेहद पवित्र माना जाता है और इसमें किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। वशिष्ठ मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है जो भगवान राम के कुलगुरु थे। यह मंदिर मनाली के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में एक है। माना जाता है कि वशिष्ठ मंदिर 4000 साल पुराना है, शायद उससे भी अधिक पुराना है। मंदिर के अंदर धोती पहन के ऋषि की एक काले पत्थर की मूर्ति स्थित है। वशिष्ठ मंदिर को लकड़ी पर उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। इसके अलावा मंदिर का इंटीरियर एंटिक पेंटिंग के साथ अलंकृत है। यहाँ पर वशिष्ठ मंदिर के अलावा और एक मंदिर स्थित है जिसको राम मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित है। वशिष्ठ गुरु हिंदू धर्म के 7 ऋषियों में से एक है और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ इस बात से दुखी थे कि उनके बच्चों का विश्वामित्र ने मार दिया था। ऋषि वशिष्ठ एक नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नदी ने उन्हें मारने से मना कर दिया था। इसके बाद ऋषि ने यहाँ एक गांव में अपना नया जीवन शुरू किया। जिस नदी में ऋषि आत्महत्या करने गए थे उसका नाम विपाशा था। अब उसी नदी को हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इस स्थान के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। बता दें कि इस हॉट स्प्रिंग का अपना औषधीय महत्व है। स्प्रिंग कई त्वचा रोगों का इलाज करने के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग अपनी त्वचा संक्रमण और बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए वशिष्ठ झरने में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम भी बनाए हुए हैं और काफी उत्कृष्ट और पुराना मंदिर होने के कारण यहाँ पे सैलानी आते हैं। इस मंदिर को आप जरूर भेज दीजिए और एक अद्भुत और एक कलाकृति का अनुभव लीजिए। हमारे वीडियो अच्छे लगते रहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक ऐसे ही सुंदर कलाकृति के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय शिवराय।